नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 मार्च 2019 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। नज़र डाल लेते हैं कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल, न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में एक टेररिस्ट ने 50 लोगों की हत्या कर दी, आखिरकार क्यों, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। नीचे ये आर्टिकल, मुंबई में CST के नज़दीक ब्रिज का हिस्सा गिर जाता है और 6 लोगों की डेथ हो जाती है, रिस्पॉन्सिबल कौन, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। बीच में ये बड़ा आर्टिकल राजनीति से संबंधित है, नहीं इंपॉर्टेंट, नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल, क्या वास्तव में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट मिलने वाली थी और इंडिया ने इनकार कर दिया, इंडिया ने कहा कि नहीं आप हमें नहीं चाइना को सीट दे दीजिए, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में कितनी सच्चाई है इन बातों में। दूसरे पेज पर ये आर्टिकल एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को हम एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, हर मंडे को आता है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में हुए मैसेकर यानी नरसंहार के बारे में है। आप GS पेपर 1 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो और इवन ऐसे से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। क्या कंटेक्स्ट है, एक 27 साल का ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जिसका नाम है ब्रेंटन हैरिसन, ये न्यूजीलैंड में दो मस्जिदों में एंटर करता है और वहाँ पर मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी स्टार्ट कर देता है। अपने इस पूरे टेररिस्ट एक्ट को लाइव स्ट्रीम भी किया जाता है, लाइव दिखाया जाता है ब्रेंटन हैरिसन के द्वारा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि आखिरकार कौन सी आइडियोलॉजी से प्रभावित था ये पर्सन जिसने ऑलमोस्ट 50 के आसपास निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। देखो, ये जो पर्सन है ना, वो एक्सट्रीम राइट विंग आइडियोलॉजी से प्रभावित है। एक्सट्रीम राइट विंग जैसे फासिस्ट नहीं होते जो यूं मानते हैं कि हमारी जो रेस है वो सुप्रीम है, जो फासिस्ट होते हैं वो डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं करते, वो ये कहते हैं बाकी रेसेस के लोग हमारे देश में रहेंगे तो इससे हमारे रेस की जो प्योरिटी है वो प्रभावित होगी, हमारे रेस की जो वैल्यूज हैं वो प्रभावित होगी। तो दूसरी रेसिस से नफरत की जाती है फार राइट आइडियोलॉजी के लोगों के द्वारा। तो देखो, जिस टेररिस्ट ने न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में अटैक किया उसका ये मानना है कि वाइट लोग जो हैं वो सुपीरियर हैं एज कंपेरिजन टू अदर रेसिस, इसलिए वाइट लोगों को बाकी लोगों के ऊपर डोमिनेट करना चाहिए। इस थ्योरी को कहा जाता है वाइट सुप्रीमेसिज्म। इसके अलावा वो टेररिस्ट एंटी मुस्लिम, एंटी इमिग्रेशन और एंटी स्माइट आइडियोलॉजी से प्रभावित था। उस टेररिस्ट को ये लगता है कि यूरोप में बाहर के जो लोग यानी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इससे वाइट्स की संख्या कम हो रही है और बाहर के लोगों की, खास करके जो मुस्लिम्स की संख्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और एंटी सेमाइट आइडियोलॉजी क्या होती है, हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स ज्यूज, ज्यूज के खिलाफ प्रेजुडाइस, ज्यूज के साथ डिस्क्रिमिनेशन, उनके खिलाफ हॉस्टिलिटी, ये आइडियोलॉजी होती है एंटी सेमाइट आइडियोलॉजी। तो एंटी सेमाइट आइडियोलॉजी से भी प्रभावित है वो टेररिस्ट। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पर्सन्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे रेदवन कराजिक, ये बोस्निया का वार क्रिमिनल है, इस पर जिनोसाइड का आरोप है, तो इससे इन्फ्लुएंस था वो टेररिस्ट। एंडर्स ब्रीविक, नॉर्वे का एक सिटीजन जिसने इसी प्रकार की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर 2011 में अंधाधुंध गोलियां चलाई थी और 77 लोगों की हत्या कर दी थी, तो एंडर्स ब्रीविक से भी प्रभावित था वो टेररिस्ट जिसने इस एक्ट को अंजाम दिया। उस टेररिस्ट का ये भी कहना है, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं USA के राष्ट्रपति, वो रिन्यूड वाइट आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आर्टिकल में कहा जाता है, देखो यूरोपियन कंट्रीज़ में और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो ये राइट विंग रेसिस्ट टेररिज्म के एक्ट हैं लगातार बढ़ रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ के सेकुलर्स इस्लामिक टेररिज्म की काफ़ी बात करते हैं। इस्लामिक टेररिज्म का मतलब देखो ये है, अगर कुछ लोग वायलेंस करने के बाद कुरान को इस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं कि वो अपने वायलेंस के एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, मतलब कुरान का इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन कि वो कहते हैं हमारा जो वायलेंस का एक्ट है वो जस्टिफाइड है कुरान के मुताबिक, तो इस प्रकार के टेररिज्म को कहा जाता है इस्लामिक टेररिज्म। तो आर्टिकल में कहा जाता है वेस्टर्न कंट्रीज के सेकुलर इस्लामिक टेररिज्म पर तो काफ़ी कुछ लिखते हैं, लेकिन राइट विंग रेसिस्ट टेररिज्म के जो एक्ट हैं लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जर्मनी में, फ्रांस में, वहाँ पर मस्जिदों पर अटैक्स हुए, इसके अलावा
ब्रिटेन में एक एमपी की हत्या कर दी गई चाकू मार के। यूएसए में सिनेगोग, सिनेगोग मतलब आप कह सकते हो जूस का टेंपल, यहूदियों का मंदिर, यहां पर भी अटैक हुआ। जिस पर्सन ने अटैक किया वो एंटी सेमिटिज्म आइडियोलॉजी से प्रभावित था और उसने 11 लोगों की हत्या कर दी। तो ये जो विचारधारा है कि वाइट लोग जो हैं वो सुपीरियर हैं, ये आइडियोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है वेस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए देखो वेस्टर्न कंट्रीज के कई पॉलिटिशियंस की लैंग्वेज भी जिम्मेदार हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रंप चाहते थे कुछ स्पेसिफिक इस्लामिक कंट्रीज से जो मुस्लिम आते हैं यूएसए में काम करने के लिए उन पर बैन लगे। इसके अलावा हंगरी के प्रधानमंत्री बार बार ये बोलते हैं क्रिश्चियन यूरोप को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। इटली के इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि माइग्रेंट्स को बाहर भगा दो। तो ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है इवन मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के द्वारा, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से बहुत से लोग एक्सट्रीम राइट विंग आइडियोलॉजी से प्रभावित हो रहे हैं, वाइट सुप्रमेसिज्म के कंसेप्ट को अपना रहे हैं और इसी की वजह से माइग्रेंट्स पे और दूसरे रेसिस के लोगों पर अटैक जो है वो बढ़ रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। इसके अलावा देखो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसी हैं वेस्टर्न कंट्रीज में जो अपने इस्लामोफोबिक विचारों के वजह से जानी जाती हैं। इस्लामोफोबिक मतलब हेट्रेड टुवर्ड्स इस्लाम, डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स इस्लाम या फिर प्रिजुडाइज टुवर्ड्स इस्लाम, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं। तो अंत में आर्टिकल में ये कहा जाता है देखो कैसे इस चीज़ को काउंटर किया जाए। इस चीज़ को काउंटर करने का बेस्ट तरीका तो यही है कि एक काउंटर नरेटिव तैयार किया जाए। काउंटर नरेटिव मतलब इस प्रकार की आइडियोलॉजी से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं कि वाइट सुप्रमेसिज्म, तो एक नरेटिव ऐसा होना चाहिए कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप जो ये मानते हो कि वाइट सुपीरियर हैं और बाकी रेसिस के जो लोग हैं वो इंफीरियर हैं, ऐसा कुछ नहीं है और इसके पीछे कोई साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट नहीं दिया जा सकता, ये सिर्फ एक फासिस्ट विचारधारा है और इसने पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया है वर्ल्ड में, सेकेंड वर्ल्ड वार में इस विचारधारा ने तबाही मचाई थी और आगे भी अगर ये आइडियोलॉजी और ज़्यादा प्रोपगेट होती है तो ये आइडियोलॉजी और ज़्यादा तबाही मचाएगी। देखो एक थ्योरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थ्योरी क्या है? सैमुअल पी हंटिंगटन ने ये थ्योरी दी थी। सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं शुरुआत में देखो कन्फ्लिक्ट्स कैसे हुआ करते थे, विभिन्न राजा या फिर मोनार्क अपनी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश किया करते थे और आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाता था। इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वार तक विभिन्न नेशंस के बीच कन्फ्लिक्ट रहा। विभिन्न नेशंस के बीच जैसे फ्रांस और जर्मनी के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, इस प्रकार से विभिन्न नेशंस के बीच कन्फ्लिक्ट रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वार के बीच। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने तक दो आइडियोलॉजीज के बीच कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एक तरफ यूएसए और यूएसए के अलाय कंट्रीज की यानी वेस्टर्न कंट्रीज की लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी और दूसरी तरफ यूएसएसआर और यूएसएसआर के अलाय कंट्रीज की कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी। इन दोनों आइडियोलॉजी की वजह से कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कोल्ड वार के दौरान। लेकिन क्या कोल्ड वार के खत्म होने के बाद कन्फ्लिक्ट नहीं होगा? इस मुद्दे पर देखो अलग अलग सेकुलर्स की अलग अलग राय है और सैमुअल पी हंटिंगटन की राय ये है कोल्ड वार के खत्म होने के बाद वर्ल्ड में कन्फ्लिक्ट तो होगा लेकिन ये सिविलाइजेशन कन्फ्लिक्ट होगा। सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार 8 मेन सिविलाइजेशंस इमर्ज होकर आएंगी। कौन कौन सी, यहां पर आप लिस्ट देख सकते हो, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन, ये जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, जैपनीज सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन और स्लेविक ऑर्थोडॉक्स, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन। स्लेविक ऑर्थोडॉक्स मतलब ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, रशिया में देखने को मिलती है। तो ये 8 सिविलाइजेशंस इमर्ज होकर आएंगी। ये जो सिविलाइजेशन है, जैसे हर एक सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन का अपना एक धर्म है, हिंदू धर्म अपना एक अलग से कल्चर है, उसी प्रकार से वेस्टर्न सिविलाइजेशन का अलग से अपना धर्म है, अलग से अपना कल्चर है। तो कोल्ड वार के ख़त्म होने के बाद जो कन्फ्लिक्ट होगा इन 8 सिविलाइजेशंस के बीच होगा। और क्यों होगा? क्योंकि देखो ग्लोबलाइजेशन अब एक रियलिटी है। जैसे जैसे
ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ता जाएगा तो सभी को अपनी पता लगता रहेगा, अपनी आइडेंटिटी का और ज्यादा एहसास होता रहेगा कि मैं कौन सी सिविलाइजेशन से हूं। यानी डिफरेंसेस विभिन्न सिविलाइजेशंस के लोगों के बीच और ज्यादा स्टार्क होते जाएंगे। देखो, जब कोल्ड वॉर के दौरान दो आइडियोलॉजीज के बीच लड़ाई थी तो यह पूछा जाता था कि आप किस साइड हो, आप लिबरलिज्म की साइड हो या फिर कम्युनिज्म की साइड हो। लेकिन सिविलाइजेशंस के बीच जब लड़ाई होगी तो कोई नहीं पूछेगा कि आप किस साइड हो, यह पूछा जाएगा सिर्फ कि आप कौन हो, आप किस सिविलाइजेशन से हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आइडियोलॉजीज के बीच जो लड़ाई थी वो इतनी इंटेंस लड़ाई नहीं थी, लेकिन ये जो सिविलाइजेशंस के बीच लड़ाई होने वाली है ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस लड़ाई होगी। इसके अलावा और भी काफी कुछ बोलते हैं सैमुअल पी हंटिंगटन अपनी बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में। जैसे सिविलाइजेशंस के बीच लड़ाई मैक्रो लेवल पे भी होगी, माइक्रो लेवल पे भी होगी। लेकिन देखो, इनकी थ्योरी के बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं। सैमुअल पी हंटिंगटन ये बोलते हैं सिविलाइजेशंस जो ये आठ हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोर स्टेट्स होंगे। जैसे हिंदू सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाएगा? इंडिया के द्वारा। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कौन सा स्टेट करेगा? रशिया। और कॉन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन के लिए भी कोर स्टेट कौन सा होगा? चाइना। जैपनीज सिविलाइजेशन के लिए कौन सा? जापान। तो सैमुअल पी हंटिंगटन के कहने का मतलब ये था कि हर एक सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोर स्टेट होगा। लेकिन आप बताइए, आप मिडल ईस्ट में देख लीजिए, क्या इस्लामिक सिविलाइजेशन को कोई एक देश रिप्रेजेंट करता है? नहीं करता है। वहां पर तो सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। सिया सेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है ईरान के द्वारा और सुन्नी सेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है सऊदी अरेबिया के द्वारा। क्रिटिसिज्म एक ये भी है कि देखो, ग्लोबलाइजेशन के कारण अब अलग अलग सिविलाइजेशन ने दूसरी सिविलाइजेशन की बहुत सारी वैल्यूज को अडोप्ट किया है। जैसे देखो, हमारे देश में आपको पता है काफी सारी वेस्टर्न वैल्यूज को अडोप्ट किया गया है, उसी प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज में भी हिंदू सिविलाइजेशन और दूसरे सिविलाइजेशन से संबंधित वैल्यूज को अडोप्ट किया गया है। तो विभिन्न सिविलाइजेशंस के बीच कन्फ्लिक्ट होगा ऐसी संभावना नहीं है। ये उन लोगों द्वारा बोला जाता है जो क्रिटिसाइज करते हैं सैमुअल पी हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थ्योरी को। ये थ्योरी देखो हमने थोड़ी सी इसलिए डिस्कस की क्योंकि ऐसे में आप इस थ्योरी को कोट कर सकते हो, और जैसे ही न्यूजीलैंड में गनमैन ने अटैक किया, कुछ लोग इसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थ्योरी से जोड़ के देखने लगे। उन्होंने कहा कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने जो कुछ कहा था 1990 के बाद वो सब कुछ धीरे धीरे सही साबित हो रहा है। यानी विभिन्न सिविलाइजेशंस के बीच अब कन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। आगे आगे वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ेगा दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे सेकुलर्स और ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो कहते हैं आप एक टेररिस्ट एक्ट की वजह से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। वेस्टर्न कंट्रीज ने भी इस टेररिज्म के एक्ट को पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया है। तो आप उन लोगों के कारण जो सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उन लोगों के कारण क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थ्योरी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मुंबई में सीएसटी के नज़दीक एक ब्रिज के हिस्से के गिरने से संबंधित है, जिसकी वजह से 5 लोगों की डेथ हो गई। आप जीएस पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट और जीएस पेपर 1 के अर्बनाइजेशन से इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। देखो, 2017 में मुंबई में एल्फिनस्टोन ब्रिज पर भगदड़ मची थी, जिसकी वजह से 23 लोगों की डेथ हो गई थी। उसके बाद मुंबई में जितने भी ब्रिजेज हैं उनकी ऑडिटिंग करवाई गई थी बीएमसी के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद मुंबई में सीएसटी के नज़दीक एक ब्रिज का कुछ पार्ट गिर गया और जिसकी वजह से 5 लोगों की डेथ हो गई। अब देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि कौन जिम्मेदार है उन 5 लोगों की डेथ के लिए। अगर ऑडिटिंग हुई थी सीएसटी के नज़दीक ब्रिज की, तो आखिरकार ऑडिटर ने ये क्यों कहा था कि वो ब्रिज पूरी तरह से सेफ है इस्तेमाल के लिए? अब बीएमसी का कहना है हम कार्रवाई करेंगे उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जिसने कुछ ही समय पहले उस ब्रिज को रिपेयर किया था, उस ऑडिटर के अगेंस्ट जिसने ये कहा था ये ब्रिज इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, और बीएमसी के कुछ ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, मुंबई में बीएमसी का बजट 30,000 करोड़ के आसपास है,
इवन देखो हमारे देश में कई जो राज्य हैं उनका बजट भी 30,000 करोड़ के आसपास नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है 30,000 करोड़ रुपए में से कितना पैसा इस्तेमाल किया जाता है पब्लिक फैसिलिटीज को इन्हेंस करने के लिए, पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने वाले लोग, क्या उनको लाभ मिल पाता है बीएमसी के इतने बड़े बजट का या फिर नहीं मिल पाता है। देखो प्राइवेट व्हीकल्स हमारे देश की सिटीज में बढ़ते जा रहे हैं, बात सिर्फ मुंबई की नहीं है, आप दूसरे शहरों को देख लीजिए। प्राइवेट व्हीकल्स इतने ज्यादा हो रहे हैं कि पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही हैं। और देखो ये एक पूरा साइकिल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है इसलिए आप अपना प्राइवेट व्हीकल खरीदते हो, आप अपना प्राइवेट व्हीकल खरीदते हो इस वजह से रोड जो है और ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाते हैं। तो ये पूरा साइकिल है। अगर आप ये चाहते हो कि प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं वो ज़्यादा सड़कों पर ना उतरें तो आपको क्या करना होगा, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज अच्छी करनी होगी, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन हमारे देश के विभिन्न जो शहर हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लास्ट में एक बात फिर से बोली जाती है कि विभिन्न शहरों को अपनी पॉलिसी मेकिंग में कॉमन मैन के लिए सेफ मोबिलिटी पे फोकस करना होगा। मोबिलिटी का मतलब ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से मूव करने की क्षमता। तो कॉमन मैन के लिए सेफ मोबिलिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, वही बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा एक्सेसिबल बना के, और ज़्यादा स्ट्रेंथन करके, पेडेस्ट्रियन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेवमेंट्स हों यानी फुटपाथ हो ताकि वो आसानी से चल सकें, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये सब चीज़ें इंश्योर करके कॉमन मैन के लिए सेफ मोबिलिटी को इन्हेंस किया जा सकता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के स्थान के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बहुत बार ये विवाद खड़ा होता रहता है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सीट दी जा रही थी लेकिन नेहरू ने कहा था कि हमें सीट नहीं चाहिए, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में आप चाइना को सीट दे दीजिए। बहुत बार ये विवाद खड़ा हो जाता है, कॉन्ट्रावर्सी जनरेट हो जाती है। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक्चुअल में वास्तव में हुआ क्या था। सबसे पहली बात देखो, इंडिया को औपचारिक रूप से कोई ऑफर नहीं मिला था, इंडिया को एक प्रकार से फिलर दिए गए थे यूएसए के द्वारा। फिलर समझते हो ना, संकेत, मतलब यूएसए ने इंडिया को संकेत दिए थे कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हम चाइना को बाहर निकाल देंगे और चाइना की जगह आपको ले लेंगे। ये 1950 के आसपास की बात है और यूनाइटेड नेशंस कब इस्टाब्लिश हुई थी, 1945 में, 1945 में। तो 1950 के आसपास की ये बात है, उस समय कोल्ड वार अपनी शुरुआती स्टेजेस में था और चाइना प्रो यूएसएसआर था। तो यूएसए को लगता था कि अगर चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर निकाल दिया जाए और इंडिया एंटर कर जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में तो इंडिया को एज ए पपेट इस्तेमाल किया जा सकता है, एज ए कठपुतली इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी वजह से यूएसए ने इंडिया को फिलर दिए थे। फिलर मतलब संकेत, यूएसए हमें एज ए बलि का बकरा इस्तेमाल करना चाहता था, किसके अगेंस्ट, चाइना और यूएसएसआर के अलायंस के अगेंस्ट। लेकिन नेहरू यूएसए के ट्रैप में नहीं फंसे क्योंकि नेहरू को यह पता था अगर देखो एशिया में चाइना जैसा बड़ा देश जो अभी अभी सिविल वार से इमर्ज होकर आया है, चाइना जैसे बड़े देश को अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल में जगह नहीं देते हैं तो वर्ल्ड में पीस नहीं रहेगी और बल्कि इंडिया के लिए तो काफ़ी टेंशन्स रहेंगी क्योंकि चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री है। तो नेहरू को ये लगता था अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल में एंटर कर गए और चाइना बाहर निकल गया तो चाइना हमसे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएगा, चाइना और इंडिया के बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा और इवन यूएसएसआर भी हमसे नाराज हो जाएगा। यूएसएसआर और इंडिया की दोस्ती बाद में काफ़ी ज़्यादा गहरी हुई, कश्मीर के मुद्दे पर रेजोल्यूशन ना पास हो इसके लिए काफ़ी बार यूएसएसआर ने अपनी वीटो का इस्तेमाल किया। 1971 में यूएसएसआर और इंडिया के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन हुई जिसकी वजह से 1971 का वार इंडिया जीत भी पाया। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स थे लेकिन ये एक फैक्टर था कि यूएसएसआर और इंडिया के बीच जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी।
तो इन सब रीजंस की वजह से ना तो नेहरू चाइना को नाराज करना चाहते थे और ना ही नेहरू यूएसएसआर को नाराज करना चाहते थे, ना ही नेहरू यूएसए के ट्रैप में फंसना चाहते थे। अगर नेहरू यूएसए की बात मान लेते तो एक प्रकार से इंडिया कठपुतली बन के रह जाता यूएसए का। देखो आप उस सिचुएशन के हिसाब से सोचिए, देश नया नया आजाद हुआ है 1947 में और 3 साल बाद क्या आप किसी बड़े देश की कठपुतली बनना चाहते हो, क्या किसी दूसरे देश के आप प्यादे बनना चाहते हो? कतई नहीं। तो अगर आप पूरी कंटेक्स्ट को समझें, उस समय आप स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को समझें, तो नेहरू का ये फैसला गलत नहीं था। और राइटर कहते हैं वास्तव में देखो इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में सीट कभी भी मिलने नहीं वाली थी, वैसे तो यूएसए ने सिर्फ संकेत दिए थे। अगर यूएसए खुले तौर पे भी कह देता कि हाँ हम चाइना को बाहर निकाल के आपको सीट देने वाले हैं, तो आप बताइए क्या यूएसएसआर इसको लेके राजी हो जाता? यूएसएसआर यकीनन अपनी वीटो का इस्तेमाल करता और ये कभी नहीं होने देता कि चाइना की जगह इंडिया एंटर कर जाए सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि उस समय जैसा हमने डिस्कस किया चाइना प्रो यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर ऐसा क्यों चाहेगा कि हमारा जो मित्र देश है वो सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर निकले और ऐसा देश आए सिक्योरिटी काउंसिल में जो वेस्टर्न कंट्रीज की कठपुतली हो? तो यूएसएसआर निश्चित रूप से अपने वीटो का इस्तेमाल करता, यानी इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलना मुमकिन नहीं था। ये जरूर ये सही है कि फिलर्स इंडिया को दिए गए थे यूएसए के द्वारा, लेकिन वो सिर्फ फिलर्स थे और नेहरू ने यूएसए के ट्रैप में फंसने से इनकार कर दिया। यूएसए जो हमें बलि का बकरा बनाना चाहता था चाइना और यूएसएसआर के अगेंस्ट, हम बलि का बकरा नहीं बने। बाद में 1955 के आसपास नेहरू पार्लियामेंट में ये क्लैरिफाई भी करते हैं कि औपचारिक रूप से कभी भी इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होने का इन्विटेशन नहीं मिला था। नेहरू का ये मानना था कि हम सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी परमानेंट सीट हो इसके लिए इंडिया डिजर्व करता है, लेकिन वो चाइना की कोस्ट पे नहीं होना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के स्थान के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर कहते हैं इंडिया में देखो जॉब क्राइसिस है, लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। जब तक आप किसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तब तक कैसे आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस करोगे? देखो जॉब क्राइसिस सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, जॉब क्राइसिस फिलहाल बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में और दूसरे कंट्रीज में भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए सरकार को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि अभी फिलहाल जॉब क्राइसिस है इंडिया में और इसको एड्रेस करने के लिए हम ये कदम उठा पा रहे हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि हमारे इंडिया में फिलहाल जॉब क्राइसिस नहीं है, वेज क्राइसिस है। मतलब इंडिया में जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनको जॉब तो आसानी से मिल रही है, लेकिन जितना सैलरी वो एक्सपेक्ट करते हैं उतना सैलरी उनको नहीं मिल पा रहा है। जॉब उनको मिल रहा है लेकिन सैलरी नहीं मिल पा रहा है, वेज प्रॉब्लम है इंडिया में, जॉब प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोला जाता है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा। सॉरी। लेकिन आज राइटर अपने आर्टिकल में ये बोलते हैं देखो दोनों चीजों को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। एग्जाम्पल राइटर देते हैं एक पकौड़ा फ्राइंग का। राइटर कहते हैं देखो अगर मार्केट में पकौड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट में पकौड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन पकौड़ा तलने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो आप बताइए जो पकौड़ा तलने वाले लोग होंगे उनको सैलरी ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? अब नॉर्मल सी बात है, पकौड़ा तलने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है लेकिन पकौड़े की उतनी डिमांड नहीं है, तो इस वजह से जो लोग पकोड़े को तलेंगे उनको उतनी सैलरी नहीं मिल पाएगी, उनको इतने वेजेस नहीं मिल पाएंगे। तो ये किसकी गलती है? ये हमारी ही तो गलती है ना कि हम दूसरे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पाए हैं जहां पर डिमांड ज़्यादा हो। अगर हम दूसरे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर पाते तो लोग दूसरे सेक्टर्स में काम कर पाते जहां पर डिमांड ज़्यादा है और जहां पर उनको सफिशियंट वेजेस भी मिल पा रहे हैं। तो एक्चुअल में आप दोनों चीज़ों को अलग अलग करके नहीं देख सकते, दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जॉब क्राइसिस और वेज क्राइसिस। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एम्प्लॉयमेंट से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 4 इश्यूज पर फोकस किया। सबसे पहले हमने वाइट सुप्रीमेसिज्म से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थ्योरी हमने डिस्कस की। दूसरे नंबर पर हमने डिस्कस किया किस प्रकार से मुंबई में ब्रिज का एक हिस्सा गिर जाता है और 6 लोगों की मौत हो जाती है। तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया बताइए,
तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के स्थान के बारे में, और सबसे लास्ट में हमने एम्प्लॉयमेंट से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।